अस्सलाम वालेकुम अजीज भाइयों बहनों बेटों बेटियों लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू एस्पायर इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मैं कन्वर्जेंस की बात कर चुका हूँ और मैं फॉरगिवनेस की बात कर चुका हूँ, आज मैं ज़र्फ की बात करना चाहता हूँ। अच्छा, इसको अगर आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा ज़र्फ का ताल्लुक है डेप्थ ऑफ पर्सनैलिटी से, प्रेशर लेने की एबिलिटी से। सो बड़ा इंटरेस्टिंग ज़र्फ का एक एक्सप्रेशन है जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दिया। उन्होंने कहा कि ज़र्फ इज़ लाइक शोइंग ग्रेस अंडर प्रेशर, और उसका एग्जांपल जो बड़ा खूबसूरत है कि आप रात को हैं, जंगल में हैं, हंटर्स राइफल आपने पकड़ी हुई है, सडनली आपको अंधेरे में दरख्त से दो चमकीली आंखें नज़र आती हैं, आपकी तरफ देखती हैं, आप समझ जाते हैं कि आप पे हमला होने वाला है। उस मोमेंट पे जबकि आपको घबराहट होनी चाहिए, आप अपने कदम जमाते हैं, अपनी बंदूक उठाते हैं और एन उन दोनों चमकीली आंखों के दरमियान लोड करके फायर कर देते हैं ज़र्फ। अब इसको आपको मैं सरकारे मदीना की तरफ ले जाता हूँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। तो वहाँ पे जनाब रसूल के नवासे के बरखुरदार शहर मदीना लंगर तकसीम कर रहे हैं। एक साहब आते हैं, आप इंतहाई खंदा पेशानी से उनको पेश करते हैं, वो टिकटिकी बांध के आपको देख रहे हैं। वो कहते हैं, इमाम आपने मुझे पहचाना है नहीं? वो कहते हैं, नहीं नहीं मैंने तुमको पहचाना है, तुम ही थे ना जो दमिश में मुझ पे पत्थर मार रहे थे और मेरी औरतों की बेहरमती कर रहे थे, तुम ही थे ना यार। तो कहते हैं, तो फिर वो अगर आपको याद है तो आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? तो कहते हैं, देखो भैया वो हम तुम्हारे पास आए थे, तुम्हारा रवैया था, ये तुम हमारे पास आए हो, हमारा रवैया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ज़र्फ बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली जब मैं 40 साल उससे कम के जवान लड़कों लड़कियों से बात कर रहा हूँ, बाकियों से भी कर रहा हूँ, कि आप इस मझधार में से निकल नहीं पाएंगे जब तक आप कन्वर्जेंस, फॉरगिवनेस और ज़र्फ को कंबाइन नहीं करेंगे। दुआ यही है पाकिस्तान में कोई चूल्हा सर्द ना हो, पाकिस्तान में किसी बेटी की रिदा ना खींची जाए, पाकिस्तान में कोई बच्चा बीमार ना हो और खुदा ना खास्ता कुत्ते के कांटे से मर ना जाए। आप सलामत रहें, हम 50 साल के ऊपर वाले अपना काम करते रहेंगे, आपको हमारी ज़रूरत है क्योंकि वी आर योर कनेक्शन टू द पास्ट। तो आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलेंगे। आखिर में एक ही बात हमेशा से हमेशा रहेगी, जब तक कि मैं ज़मीन पर चल रहा हूँ, चौधरी फजल मुकीम, पाकिस्तान जिंदाबाद।